6 महीने हो गए हैं भाई को साइकिल से ही टूर मारते हुए। 15 स्टेट हुआ, 4 धाम में 3 धाम कंप्लीट। अभी बैद्यनाथ जाएगा केदारनाथ। जय श्री राम भाइयों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नए ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। हम आए हुए हैं इस टाइम भाई, कितनी दूरी पर होगा केदारनाथ? 15 किलोमीटर दूरी पर केदारनाथ है। अभी भाई उठे, राहुल भाई सो रहे, उत्कर्ष भाई सो रहे, मैं उठ गया और बाकी अभी दो जने घूम घाम रहे हैं। तो भाई मज़ा आ रहा है यार। अभी इस ब्लॉग में आने वाला मज़ा जो आने वाला, अभी जाने वाले हम पहाड़ी, बर्फीली पहाड़ों पर, वहाँ पर आएगा मज़ा। तो इस पहाड़ को जरूर देखना, जरूर देखो भाई, एंड तक देखो, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और भोले बाबा के दर्शन कराते हैं, मिलते हैं तुमसे तैयार होने के बाद। भाई ए भाई, ये बंदा नहीं उठ रहा भाई, सब उठ गए। ये बंदा पता घर पे भी जो है ना 12 बजे उठता है, 12 बजे। दोस्तों नहा धोकर रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब पहले करेंगे नाश्ता, उसके बाद चलेंगे बाबा जी के दर्शन करने केदारनाथ। भाई सपना पूरा होने वाला है अपना, और देख सकते हो यहाँ का व्यू क्या जेन्युइन हो रहा है। दिखाते हैं, देखो भाई बाहर का व्यू, वाओ। जो भाई तो हो गए स्टार्ट, नाश्ते में हमने चाय मंगवाई है और आलू के पराठे। नाश्ता उसके बाद मिलते हैं आपसे। वो दो भाई हमारे गाड़ी साफ करने में लगे हुए हैं, गाड़ी साफ हो रही है वो। भाई अब खा पी कर रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल फिट, और यहाँ पर रुके थे हम, रेडी हो गया, सब रेडी हो गए यहाँ पर सारे भाई, अपने चारों के चारों भाई रेडियो रेडी चलते हैं। अब दोस्तों बिल्कुल खा पी कर रेडी है, एकदम पेटेंट फिट फोर। अब यहाँ से चलेंगे, जैसे कि अभी आपको नितिन ने बताया कि अभी हमने खाना वाना खा लिया है और सब लोग यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं केदारनाथ की ओर जाने के, बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। बोलो हर हर महादेव। तो एक दिन लग गया। देखो भाई सामने देखो, वो चल रहा है झरना, वो रहा जेन्युइन। हेलो भाई, जेन्युइन मजा आ रहा, जेन्युइन हो गया भाई। यहाँ से जो है ना, हम तुम्हें सारे अपडेट देते रहेंगे यहाँ के, करेक्ट करेक्ट, और यहाँ के व्यू आपको दिखाते रहेंगे सिनेमैटिक शॉट में। तो बने रहे हमारे साथ। हर हर महादेव, बोल शंकर भगवान की जय। यहाँ पर कभी कभी जाम लगता है ना, तो 3-3, 4-4 घंटे का जाम लग जाता है, बस इसी वजह से हम लेट हो जा रहे हैं यहाँ पर। पर बाकी जो है, जो पहाड़ों में मजा है ना, अपनी कसम जिंदगी में मजे लेने हैं तो भाई पहाड़ों में आ जाओ, जिंदगी जेन्युइन स्वर्ग कहते हैं ना देवभूमि, वही वाला फील आएगा। आप ऑल इंडिया सिर्फ बंगाल से आ रहे हैं, ये 6 महीने हो गए हैं भाई को साइकिल से ही टूर मारते हुए। 15 स्टेट हुआ, 4 धाम में 3 धाम कंप्लीट। अभी बैद्यनाथ जाएगा केदारनाथ करके, सही है। बंगाल आई आई टी खड़गपुर, सिर्फ पेटीएम काफी है, किसी भी देख सकते हो आप। विश्वजीत दास वार्ड नंबर 35, सब चीज है भाई, प्यार और सपोर्ट बनाना यही के लिए। और बाकी यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, जैसे कि एक तरफ का पूरा टूर रुक जाता है और एक तरफ का चलता है, ये सिंगल रोड है ना, तो सिंगल रोड पे बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है मामला। चलते हैं, अब नंबर इधर का आने वाला है, गाड़ी में बैठते हैं अपनी में, बहुत तगड़ा सीन है भाई। बैठ गया भाई, तो देख रहे हो वहाँ पर जाम कितना तगड़ा लगा हुआ है। वहाँ से लेकर आए हम भाई, बहुत टाइम लग गया, मैं बहुत टाइम यहाँ पर आते आते। अब हमने यहाँ गाड़ी पार्क कर दी है,
उसके बाद में सब अपना मतलब बैग ले रहे हैं जिसमें टेम्परेरी सामान होगा। टेम्परेरी सामान लेकर फिर चलते हैं बाबा की नगरी में, बाबा के दर्शन करते हैं। और सब कुछ पेटेंट हो चुका है, जूते जाते पहन लिए, भाई ने नए पूमा के मंगवाए, फर्स्ट कॉपी है वो तो खैर, और सब कुछ बढ़िया हो चुका है। अब चलते हैं बाबा के दर्शन कराते हैं आपको थोड़ी देर पैदल यात्रा के बाद, देखते हैं क्या होता है, जो जो होगा वो सब आपको बताएंगे। चलते पैदल चलते चलते हमने बहुत रास्ता क्रॉस करा है और हमें अब गौरीकुंड में नहाने के लिए यहाँ से शॉर्टकट मिला है। भाइयों ने बताया कि इस पहाड़ पर चलने के बाद गौरीकुंड का रास्ता क्लोज पड़ेगा, मतलब कि पास, तो चलते हैं अब शॉर्टकट यहीं से पहाड़ों पे से चल के मजे लेते हैं। चलो दोस्तों बने रहो हमारे साथ यार, महादेव चलो मिलवाते हैं आपको महादेव जी से, चलते हैं। आओ कोई नहीं, पहले गौरीकुंड नहा लेंगे ना। हाँ सबसे बढ़िया ये शॉर्टकट का रास्ता मिला है हमें। तो गाइस अब हम सब लोग आ चुके हैं गौरीकुंड में, क्योंकि हमने यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता लिया है रुद्रप्रयाग से। तो गाड़ी हमने जो रोक रखी है रुद्रप्रयाग में, रोक रखी है, पार्किंग है यहाँ पे। ये सब लोग हमारे दोस्त राहुल, नितिन, अगर आप भी यहाँ पर आ रहे हो तो आपको सीतापुर में पार्किंग मिल जाएगी। सीतापुर में गाड़ी पार्क करने के बाद फिर आना गौरीकुंड, यहाँ पर भी गाड़ी आती है। फिर इसमें स्नान करने के बाद हमें हो गई थी रात, और 4 बजे केदारनाथ के पट हो जाते हैं बंद, तो इसलिए हमने सोचा यहाँ पर कैंपिंग करी जाए। तो कैंपिंग के लिए हमारा सिस्टम हो गया चालू, और सुबह 4 बजे ही पट खुलेंगे केदारनाथ के। तो हमने सोचा सुबह के 4 बजे ही अपनी चढ़ाई चालू कर देंगे। तो फिलहाल हम कैंपिंग के लिए तैयार हो रहे थे, तो देखो कैसी तैयारी हो रही है हमारी। और यहाँ पर ये वाटरप्रूफ कैंपिंग होती है, जिससे बारिश वारिश में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये वाटरप्रूफ होता है, मतलब कि अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं आ सकता, मज़ा आएगा फुल। तो देखो इसमें गद्दे वद्दे भी लगाए जा रहे हैं, बाकी लाइट नहीं लगेगी यहाँ पर, और लाइट के बगैर मजे लेते हैं। चलो देखो गद्दे वद्दे कैसे बिछने, फिर चद्दर वद्दर, मतलब सब कुछ बढ़िया हो जाएगा जैनमैन करके। उसके बाद में भाई सुबह 4 बजे उठ, भाई इसे कहते हैं जिंदगी, जियो तो ऐसे जियो भाई। कैंपिंग करते, कैंपिंग आपने सुना होगा उस टाइप में पूरा पैक हो गया है, बस एक चीज की कमी है, यहाँ पर लाइट नहीं है, और लाइट ऐसे कैंपिंग में होती भी नहीं है। तो जो भी है अपना पावर बैंक से स्टार्ट करेंगे, और देखो सब चीज बढ़िया है जैनमैन। और राहुल भाई वहाँ पर बैठे हैं, अमन भाई वहाँ बैठे हैं, वंश भाई अपने, ये तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अभी अपना उत्कर्ष भाई रह रहा है, वो बाहर गया है वॉशरूम फ्रेश होने, अभी खाना वाना आएगा यहाँ पर, खाना वाना खाएंगे, फिर मिलेंगे आपसे, मजे लो इंजॉय लो। भाई 3 बजे उठकर सब कुछ रेडी वेडी होकर 4 बजे यहाँ के पट खुलते हैं। 4 बजे पट खुलने के बाद हम सब निकल ले हैं, और फिर चलते हैं अब केदारनाथ की चढ़ाई करते हैं। और दोस्तों बने रहे हमारे साथ, अमन भाई सब कुछ बढ़िया है ना, बढ़िया, जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी बाबा केदार, आप सब अपनी कृपा बनाए रखे। तो एक बार बोलेंगे बहुत सच्चे दरबार की जय, बाबा केदार की जय। Continue next episode on 12th November, Sunday.